Okay. वेलकम डियर रॉकर्ट्स, आज की मूवी एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है स्टिल। मूवी की शुरुआत एक सिटी के टाउन स्क्वायर में होती है जहां पर एक आदमी लिविंग स्टैचू बनकर खड़ा हुआ है। ये उसके रोज का काम है, लेकिन वो 18 घंटों से बिना हिले डुले एक ही जगह स्टैचू बनकर खड़ा है। वजह यह है कि पॉइंट ब्लैक रेंज पर एक खतरनाक और डरावना ज़ॉम्बी खड़ा है और कई घंटों से वो उसको घूर रहा है। इस स्टैचू मैन की ड्यूटी के बीच अचानक किसी वजह से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो गया। हर तरफ भगदड़ मची हुई है और पूरे टाउन स्क्वायर में ज़ॉम्बीज रेंग रहे हैं। बचे हुए ह्यूमंस को ज़ॉम्बीज बेधड़क काट रहे हैं, हर तरफ खून के फुहारे निकल रहे हैं और लोगों के इंटेस्टाइंस सड़क पर पड़े हुए हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बी गोल्डन स्टैचू मैन से दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसको लगातार घूर रहा है। लेकिन स्टैचू मैन हार मानने वालों में से नहीं है और वो सोचता है कि मुझे सांस लिए 5 मिनट हो चुके हैं, अगर कुछ देर ये चलता रहा तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से वो बहुत धीरे सांस लेता है जिससे उसकी सांस की हवा भी ज़ॉम्बी को न लगे। दोस्तों, ये आदमी एक प्रोफेशनल ह्यूमन स्टैचू है, इसीलिए इतने घंटे स्टैचू की तरह खड़ा रह सका। अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते? क्या इतने घंटे आप ज़ॉम्बी से बच पाते? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब इतने घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़े होने से स्टैचू मैन का शरीर बर्दाश्त की हद पार कर चुका है। उसके पैरों में जकड़न शुरू हो गई है और उसके हाथ हिलने लगे हैं, और जले पे नमक छिड़कने जैसी बात तो यह है कि उसके कान में खुजली हो रही है। डर के मारे उसकी कनपट्टी से पसीने का एक बूंद बहने लगता है और अचानक दूसरे ज़ॉम्बी वहाँ एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी चिल्लाहट सुनकर ये जिद्दी ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस छोटे से समय को अपना लकी चांस समझकर स्टैचू मैन जरा सांस भर लेता है, फिर अपने पैरों को रिलैक्स कर लेता है और अपने पोजीशन को जरा बदल लेता है। उसके पैर के ठीक नीचे ज़ॉम्बीज उस आदमी को चीरकर खा रहे होते हैं। वो खुद और कंट्रोल नहीं कर पाता और उनके ठीक ऊपर पेशाब कर देता है। इतने में ज़ॉम्बी उस आदमी को चीरकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका खून फुहारे की तरह गिर रहा होता है और उसका इंटेस्टाइन ठीक स्टैचू मैन के ऊपर आकर गिर जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको उल्टी आ जाती है। अचानक उसके गाल फूल जाते हैं और उसका मुंह उल्टी से भर जाता है, लेकिन वो अपने इरादे का पक्का होता है और हिम्मत करके उल्टी को फिर निकल जाता है। अब उसकी तबीयत और खराब होने लगती है, लेकिन वो इस सिचुएशन से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता है। वो अपने आसपास देखने लगता है कि उसके साथी कैसे हैं। उसका दोस्त बार्टी, जो एक क्लोन था, वो बदकिस्मती से ज़ॉम्बीज का शिकार हो गया है। वो ज़ॉम्बीज से आखिरी तक लड़ा था लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज से मुकाबला नहीं कर पाया। एक और पेंटर पास्कल का कैनवास खून से भरा हुआ है और वहाँ उसका एक हाथ लटक रहा है। इसके अलावा पास्कल के शरीर का कोई भी टुकड़ा नहीं बचा। दूसरी ओर एक आदमी अपना एक पहिया ठेला पकड़कर खड़ा है। उसने पूरे शरीर में ब्लैक पेंट लगा के रखा हुआ है। स्टैचू मैन की तरह ये पेंट मैन भी बिना हिले डुले ज़ॉम्बी से अभी तक बचा हुआ है, पर वो बहुत धीरे धीरे अपनी गाड़ी के साथ खुद भी चला जा रहा है। ऐसा करते करते वो इस जगह से बचकर जा सकता है। अब स्टैचू मैन तहे दिल से प्रार्थना करता है कि उसका दोस्त यानी वो ब्लैक पेंट मैन किसी तरह बच जाए, लेकिन अचानक दो ज़ॉम्बीज किसी के कटे हुए सर के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं और बदकिस्मती से वो सर पेंटमैन की चलती हुई गाड़ी में गिर जाता है। अब ज़ॉम्बीज को पता चल गया है कि पेंटमैन जिंदा इंसान है। पेंटमैन फिर स्टैचू बनकर खड़ा रहता है, लेकिन वो अपनी उल्टी रोक नहीं पाता। ज़ॉम्बीज उसे लड़खड़ाता हुआ देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। बेचारा पेंटमैन लड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसकी शर्मनाक मौत देखकर स्टैचू मैन की आंखों से आंसू का एक बूंद निकलता है और वो भी धीरे धीरे से। अब वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज पेंटमैन को खाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर स्टैचू मैन वहाँ से बचने का फैसला करता है। वो अपनी हिम्मत जुटाकर कसम खाता है कि कुछ भी हो जाए मैं आज नहीं मरूंगा। वो बहुत स्टाइल में सीढ़ियों से नीचे कूदता है, लेकिन उसके पैर में मोच आ जाती है। उसकी आवाज को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी ओर देखने लगते हैं और अगले ही सेकेंड वो सब स्टैचू मैन को फॉलो करने लगते हैं। वो लंगड़ाकर चलने लगता है और एक गली में मुड़ता है, पर ज़ॉम्बीज उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। अब वो ज़ॉम्बीज को कंफ्यूज करने के लिए एक ही ब्लॉक के चक्कर लगाता रहता है और फिर उस बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे छुप जाता है। आदत के मारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के चक्कर लगा रहे होते हैं और स्टैचू मैन को नहीं देखते। अब स्टैचू मैन धीरे से बाहर निकलता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि उसने ज़ॉम्बीज से बाजी मार ली है, और अपने एक्साइटमेंट से वो हंसता हुआ रोबोट स्टाइल में डांस करने लगता है। पर जब मुड़ता है तो उसको अपनी खुशी की मौत नजर आती है। दरअसल उसके डांस से अट्रैक्ट होकर अब दुगनी संख्या में ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और दोस्तों, इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, ये नई कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लेकिन क्लाइमेक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की शॉर्ट फिल्म्स और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए।
हम आपके लिए अलग से एक टाइम पर शॉर्ट फिल्म को रिलीज करेंगे ताकि आप एंजॉय कर सके। बाकी कमेंट में बताइएगा। और अगर ये वाली शॉर्ट फिल्म आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।